स्वयं प्रभु भोलेनाथ महाशक्तिशाली भयंकर वीरभद्र भी है उनके साथ। वीरभद्र, ये कौन है महाराज सुमत? मैं बताता हूँ पुष्कल, एक बार उनसे कुपित होने के कारण महाराज दक्ष ने अपनी पुत्री देवी सती और उनके पति भगवान शिव को अपने महायज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। फिर भी देवी सती जब यज्ञ में भाग लेने गईं, तो अपने पिता के मुख से अपने स्वामी प्रभु शिव जी के लिए अपमानजनक शब्द सुनकर स्वयं को उस अपमान का दोषी मान अपने तपोबल से वहीं आत्मदाह कर लिया। और तब भगवान शिव का ऐसा तीव्र कोप जागृत हुआ जिसने प्रचंड महातांडव का रूप लिया। जब उनका क्रोध अपने चरम पर पहुंचा, तब उनकी जटाओं से उत्पत्ति हुई वीरभद्र की अपनी उत्पत्ति के साथ ही वीरभद्र अपराजय माने जाने वाले महाराज दक्ष को दंडित करने के लिए निकल पड़े। और आज दक्ष आपका दंभ कारण बना, देवी सती के आत्मदाह का। आपके इस दंभी शेष ने अपमान किया है महादेव का। आपके दंभ के स्रोत इस दोषी शीश को आपके धड़ से विलग कर आपके दंभ को मिटा दूंगा। मैं मिटा दूंगा। अत्यंत भयंकर है ये वीरभद्र और उतनी ही भयंकर प्रतीत हो रही है उनकी ये सेना। सत्य है, जिनका आगमन ही इतना भयंकर है वो स्वयं कितने भयंकर होंगे। हनुमान ने महादेव के त्रिशूल का सामना तो कर लिया था, किंतु स्वयं महादेव के समक्ष किसी का भी टिकना कहां संभव है। अन्यथा ये युद्ध अत्यंत अनिष्टकारी हो सकता है। प्रभु प्रणाम। भोले बाबा, कल्याण। मुझे ज्ञात था प्रभु कि भक्त को दिए हुए वचन को निभाने आप अवश्य आएंगे, अपनी सेना सहित मेरी और मेरी सेना की रक्षा के लिए अवश्य आएंगे। प्रभु अपने भक्त का प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम महादेव। प्रणाम महादेव। कल्याण हो। प्रभु के आशीष से तो इस युद्ध भूमि में आहत सभी के घाव भर गए। मेरा आशीष दोनों सेनाओं के साथ है, किंतु अपने महाभक्त वीरमणि की रक्षा के लिए मैं वचनबद्ध हूँ। इसलिए हनुमान अब इस युद्ध में शत्रु के रूप में एक दूसरे का सामना करेंगे। बोले बाबा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ प्रभु? जिन प्रभु शिव के हृदय में मैंने अपने प्रभु श्री राम को देखा, जो सदैव अपने इष्ट प्रभु श्री राम के नाम का जाप करते हैं, वही प्रभु महादेव प्रभु श्री राम के कार्य में सबसे बड़ी बाधा बनकर कैसे खड़े हो सकते हैं? हनुमान, भक्त जिस प्रकार भगवान का सेवक होता है, उसी प्रकार भगवान भी तो भक्त की इच्छाओं के समक्ष विवश हो जाते हैं। ये भक्त और भगवान की अटूट संबंध की मर्यादा है, जिसके कारण मैं इस युद्ध से पीछे नहीं हट सकता।
किंतु भोले बाबा, मुझे ज्ञात है हनुमान कि स्वयं प्रभु श्री राम भी अपनी मर्यादा से भद्दे अश्वमेध यज्ञ को संपन्न करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तुम उनके अनन्य भक्त हो, उनकी मर्यादा को खंडित नहीं होने दोगे, किंतु तुम्हें मुझसे युद्ध कर मुझे पराजित करना ही होगा, अन्यथा पराजय स्वीकार कर पीछे हटना होगा। भोले बाबा, आप तो जगत पिता हैं, मेरे भी पिता समान हैं। प्रभु, आप रुद्र हैं, तो मैं आपका अंश रुद्रांश हूँ। आपसे युद्ध करने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। हनुमान, व्यक्ति विशेष से नहीं, अपितु अपने धर्म और लक्ष्य के मार्ग में आई बाधा को हटाने के लिए जो युद्ध किया जाता है, वही युद्ध धर्म युद्ध कहलाता है। फिर बाधा का कारण कोई शत्रु हो या अपना ही कोई आत्मीय, धर्म युद्ध से पीछे नहीं हटा जाता। हनुमान, ये युद्ध मुझे अपने भक्त के लिए लड़ना है, तो तुम्हें अपने भगवान के लिए। मैं अपने भक्त को निराश नहीं कर सकता, और तुम अपने भगवान को। इसलिए चल नहीं सकता ये धरना युद्ध। आज मेरे प्रति श्रद्धा के कारण मेरा भक्त धर्म संकट में है, इसलिए वो जो भी निर्णय लेंगे मैं स्वीकार करूंगा। आपका कथन सर्वथा उचित है भोले बाबा। मेरे गुरु सूर्यदेव जी से प्राप्त शिक्षा भी यही कहती है कि धर्म के लिए अपनों से भी युद्ध करना पड़ता है। वैसे भी बिना प्रयास किए मैं अपने प्रभु को निराश नहीं कर सकता। फिर भले ही मुझे इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति ही क्यों न देनी पड़े। यदि राम काज को पूर्ण करने का एकमात्र समाधान आपसे युद्ध ही है प्रभु, तो आपसे भी युद्ध के लिए प्रस्तुत है हनुमान। सम्मुख शिव शिवांश परस्पर, रणभूमि महाधर्म के बल पर, उत श्री शंकर भोले बाबा, इत बजरंग अतुल बल धामा, वीर भद्र नंदी शिव कारक, पुष्कल शत्रुघ्न रघुनायक, युद्ध विचित्र साहस असीमिता, जाके फल पे देव द्रविता। बाबा हनुमत की रुचिकर लीला, राम भगत की जय, जय जय रघुनंदन राम, जय 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 बाबा हनुमान। जय श्री राम। Thank you.
भोले बाबा के ये गण और प्रेत तो राम सेना की ओर बढ़ रहे हैं। वीरभद्र से युद्ध के पूर्व मुझे इन्हें रोकना होगा। हनुमान जी सेना की रक्षा के लिए जा रहे हैं, इस बीच में वीरभद्र को रोकता हूँ। देव की जटाओं से उत्पन्न हुआ हूं मैं, मुझे रोक पाना असंभव है, असंभव है। वीरभद्र की असाधारण शक्ति का सामना मुझे ही करना होगा। किंतु अभी इस दूसरी चुनौती का सामना करना होगा मुझे। राजकुमार शत्रुघ्न वीरभद्र का सामना करने पहुंच गए, कहीं उनका कोई अनिष्ट न हो जाए, मुझे शीघ्रता करनी होगी। नंदी जी, मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है और आपकी सेवा करके तो मुझे भोले बाबा की सेवा का अवसर भी प्राप्त हो गया। अपने ही किसी से युद्ध करने के लिए मेरे पांव ही नहीं उठ रहे। हम दोनों के मध्य तो भक्त से भक्त का अटूट अदृश्य बंधन है, किंतु उसे भूलकर मुझे नंदी जी के साथ युद्ध करना ही होगा। मैं तुम दोनों की आंतरिक भावनाओं से परिचित हूं, किंतु ये तो युद्ध है जो भावनाओं से नहीं परियोजनों से किया जाता है, इसलिए भावनाओं से भी अधिक शक्तिशाली होना चाहिए तुम दोनों का परियोजन। क्या आपने उस परियोजन में तुम दोनों की पूर्ण आस्था है? मेरा प्रयोजन है अपने प्रभु श्री राम का कार्य पूर्ण करना। मेरा प्रयोजन है अपने प्रभु के ध्येय की रक्षा करना। परीक्षा नहीं, अपितु वास्तविक युद्ध है। नंदी जी, स्मरण तो आपको भी होगा कि मैंने अपने बाल्यकाल में ही किस प्रकार आपको रोका था। इसलिए वैसी स्थिति पुनः उत्पन्न हो उसके पूर्व ही आप अभी भी पीछे हट सकते हैं। आज मैं भीषण प्रहार करूंगा, कि मैं अपने प्रभु के कार्य से
कदापि पीछे नहीं हटूंगा। पीछे मुझे नहीं, आज तुम्हें हटना होगा हनुमान। आज सारा जग देखेगा कौन किस पर भीषण प्रहार करेगा। मुझे आहत नहीं कर सकता, मुझसे बढ़ने का दुस्साहस मत कराओ। महादेव के क्रोध का प्रतिरूप हूं मैं। मैं भी श्री राम का अनुज हूं और भैया श्री राम के कार्य में बाधा बनने वाले को अपने मार्ग से हटाना धर्म है मेरा, जिसका निर्वहन अवश्य करूंगा मैं। ए बालक, तुमने वो चुनौती स्वीकार की है जिस पर तुम विजय पाने के लिए सक्षम नहीं हो। इस युद्ध भूमि को छोड़कर चले जाओ, अन्यथा इस युद्ध भूमि को तुम्हारी मृत्यु भूमि बना दूंगा। युद्ध भूमि छोड़ने का नहीं, युद्ध समाप्त करने का अभ्यस्त हूँ मैं। दुष्ट बालक, आज देखता हूं कैसे रक्षा करते हो तुम अपनी। पथ भी सुगम नहीं भाई, रण महानंदी कपी सम आए। राम काज है तू हनुमंता, बल शक्ति करे पूर्ण प्रयोगता। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम। सभी वार निष्फल कर दूंगा मैं, सारे अस्त्रों शस्त्रों को खंडित कर दूंगा। कितने बेवीर योद्धाओगे विचित्र तुम, किंतु मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर पाओगे। तो आओ और युद्ध करो, दिखाओ अपनी वीरता का प्रमाण। हर हर महादेव। जय श्री राम। Huh?
राजकुमार शत्रुघ्न, मेरे बल और युद्ध कौशल का तुम तक क्या कोई भी सामना नहीं कर सकता। प्रचंड महायोद्धा प्रतीत हो रहे हैं वीरभद्र। मुझे शीघ्र ही इन दोनों से निपटकर काका श्री की सहायता के लिए जाना चाहिए। राजकुमार शत्रुघ्न संकट में है, मुझे शीघ्र कुछ करना होगा। अब मेरा आपको अविलंब रोकना अति आवश्यक हो गया है नंदी जी। नंदी जी परास्त हो गए हनुमान से, कहाँ गए वो? क्या ये संभव है? अब उठ भी सकेंगे नंदी जी? मुझे क्षमा करें नंदी जी, किंतु मेरे लिए ये करना अति आवश्यक था। वीरभद्र सावधान, आ रहा है हनुमान! वीरभद्र सावधान, आ रहा है हनुमान! बालक की मृत्यु कदाचित मेरे ही हाथों नियत है। बालक मेरे इस विकराल रूप से भयाक्रांत तो नहीं हो गए ना? हूं मैं तुम्हारा काल। से कोई सुख प्राप्त नहीं हो रहा है मुझे, किंतु मेरा आप पर प्रहार करना अनिवार्य है नंदी जी। यदि महाराज वीरमणि अहंकार में आकर प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के अश्व को रोकने एवं महादेव का आह्वान करने की भूल ना करते तो कदाचित इस युद्ध को टाला जा सकता था, किंतु अब राम काज को पूर्ण करने के लिए हनुमान इस संकट का सामना करने के लिए तत्पर है। अब और क्रीड़ा नहीं, अंत करूंगा मैं तुम दोनों का अंत। हाँ।
अद्भुत है इस बालक का साहस, किंतु मेरी असाधारण शक्ति अब इसका भी संहार करेगी। तुम्हारे ये बाण मुझे स्पर्श भी नहीं कर सकते बालक, किंतु मेरे प्रहार से तुम्हारा बचाव असंभव है। कैसा अनर्थ हो गया प्रभु, पुष्कल भी आहत हो गया। जिस प्रकार बाल्यकाल में वायु देव ने मुझे रक्षित किया था, उसी प्रकार से मुझे पुष्कल को भी रक्षित करना चाहिए। अवमानना की, मुझे क्षमा कर दीजिए। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है, क्रोध पर नियंत्रण रखना, अहंकार को त्यजना, अपने दायित्वों के प्रति अधिक जागरूक होना। इन सभी सीखों के लिए मैं आपका आभारी हूँ। तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, उठो पुष्कर, उठो। पुष्कर, शत्रुघ्न और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। ये कैसे हो गया प्रभु, मैं अपना वचन नहीं निभा सका, विफल हो गया आपका हनुमान। राजकुमार शत्रुघ्न और पुष्कर की रक्षा नहीं कर सका मैं। पुष्कर उठो, उठो पुष्कर।
अंश हो तुम। हाँ तू अवसान न करो। महादेव से उत्पन्न महावीर वीरभद्र का प्रभु श्री राम के अनुज और उनके भतीजे को क्षति पहुंचाकर तुमने उन दोनों को नहीं मुझे क्षति पहुंचाई है। मुझे उस हनुमान को जिसे उनकी सुरक्षा का दायित्व दिया था मेरे प्रभु ने, उनको आहत होते देख मेरे प्रभु श्री राम को अत्यंत कष्ट हुआ होगा, जिसे मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। तो फिर किस सोच विचार में पड़े हो? आओ युद्ध करो मुझसे, उस महारथी से जिसका जन्म ही रुद्र अवतार महादेव की जटाओं से हुआ है। यदि तुमने भोले बाबा की जटाओं से जन्म लिया है तो मैं भी रुद्रांश हूं। मेरे प्रभु श्री राम को कष्ट दिया है तुमने वीरभद्र, जिसका तुम्हें उचित दंड देगा ये राम भक्त हनुमान। इतना विश्वास है अपनी शक्ति पर हनुमान? तू आओ सामना करो मेरा, आओ सामना करो। एक भयंकर महायुद्ध का आरंभ है ये। मेरे प्राण तुम्हारे प्राण हर लेंगे हनुमान, तुम्हारे हृदय को अपना आहार बनाऊंगा मैं। सुना है वानर का हृदय बहुत स्वादिष्ट होता है। जिस हृदय में प्रभु श्री राम का वास हो उसको पाना तो दूर, तुम उसके निकट भी नहीं पहुंच सकोगे वीरभद्र। महाबली महायोद्धा हो तुम हनुमान, किंतु मुझसे टकरा कर बहुत बड़ी भूल की है तुमने। भक्त की भक्ति और धर्म की शक्ति भूल नहीं हो सकती वीरभद्र। तुम्हारे प्रत्येक अस्त्र का सामना करूंगा मैं वीरभद्र, किंतु प्रभु श्री राम के कार्य को मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। इस भ्रम में मत रहो हनुमान, लो सहो मेरा प्रहार। Oh!
महायोद्धाओं के मध्य ऐसा भीषण युद्ध कभी किसी ने ना देखा होगा। हाँ देवराज, साहस बल और क्षमता में एक समान ही प्रतीत हो रहे हैं दोनों। सत्य, दोनों ही रुद्र के अंश, किंतु इस युद्ध का महाविनाशक परिणाम की चिंता सता रही है मुझे। तुम्हें मुझे प्रभु के भतीजे का वधिक दिखाई दे रहा है, जिसे मैं मसल के रख दूंगा। तुम्हें मुझे मात्र एक शत्रु दिखाई दे रहा है, वो शत्रु जिसने महादेव की शक्ति को ललकारा है। तुम्हें तो अवश्य पराजित करूंगा मैं, अवश्य। युद्ध की स्थिति निर्मित हो गई है। युद्ध भक्त और भगवान के मध्य एक प्रचंड रण। और वीरभद्र दोनों ही हनुमान को पराजित करने में असमर्थ रहे तो दुर्भाग्यवश मैं उससे युद्ध करने के लिए विवश हो जाऊंगा। मेरी क्रोधाग्नि भस्म करेगी तुम्हें वीरभद्र, जिसका जन्म ही महादेव की क्रोधाग्नि से हुआ है, उसे तुम्हारा क्रोध क्या भस्म करेगा हनुमान? हनुमान की अपार शक्ति को खंडित करना ही होगा। प्रभु की शक्ति किसी से पराजित नहीं हो सकती। तीव्र गति से वार करूंगा हनुमान पर। इतनी गति का संचार कर प्रहार करूंगा हनुमान पर कि वो अपना बचाव ना कर सके। पढ़े आ रहे हैं इतनी तीव्र गति से। वीर भद्र नंदी शिवगामी, सब हूँ शंकर गण बलशाली। युद्ध महासम्मुख श्री त्रिलोचन, संकट पाए संकट मोचन। ये गाथा बाबली हिम्मत की, रुच कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान।
अब प्रभु महादेव के इन दोनों महायोद्धाओं के प्रकोप से कोई भी हनुमान की रक्षा नहीं कर सकता। तुम्हारी पराजय निश्चित ही है, तो व्यर्थ में युद्ध क्यों कर रहे हो हनुमान? अश्वमेध यज्ञ का अश्व तो तुम खो चुके हो, और तुम्हारी सेना के वो दो महायोद्धा धूल धूसरित हो चुके हैं। तुम्हारा वो राजकुमार पुष्कल हताहत हो गया है, और तुम्हारा राजकुमार शत्रुघ्न रणभूमि में आहत होकर मूर्छित पड़ा है। हर हर महादेव। हनुमान, शीघ्र तुम भी अपने दोनों महान योद्धाओं के समान दयनीय अवस्था में होगे। अपना शीश इसके हाथों में नहीं आने दूंगा मैं। अपनी पराजय स्वीकार कर लो हनुमान, टेक दो घुटने। मेरे महादेव के महारुद्र रूप में वीरभद्र तुम्हारे समक्ष काल बनकर खड़े हैं हनुमान। अपने उद्देश्य में तो असफल ही हो चुके हो तुम हनुमान, इसलिए वैसे भी तुम्हारे जीवित रहने का कोई भी कारण शेष नहीं है। यही सही अवसर है हनुमान पर घातक वार करने का। और प्रभावी वार करना होगा मुझे हनुमान पर। बच गया ये वानर। अश्व की मुक्ति है मेरा उद्देश्य, प्रभु श्री राम का काज है मेरा उद्देश्य, जिससे मुझे कोई नहीं डिगा सकता। मेरे रहते व्यर्थ नहीं जाएगा राजकुमार शत्रुघ्न और पुष्कल का योगदान। कुछ भी हो जाए, कोई भी मेरे सामने आए, कोई भी मुझे रोकने का प्रयास करे, राम काज अधूरा कदापि नहीं रहेगा, कदापि नहीं रहेगा। प्रभु का अश्वमेध यज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। No!
कोई साधारण युद्ध नहीं है ये, इस भक्त की भक्ति की परीक्षा है ये युद्ध। प्रभु श्री राम का कार्य है ये, जिसमें असफलता स्वीकार नहीं है मुझे। हनुमान की भक्ति, अपने प्रभु के प्रति उसकी निष्ठा, उसमें असीम शक्ति का संचार करती है। नहीं तो नंदी और वीरभद्र जैसे महायोद्धाओं से कोई कैसे युद्ध करे। प्रभु श्री राम के काज में कोई बाधा सहन नहीं करूंगा मैं। नंदी और वीरभद्र के पश्चात कहीं हनुमान मुझ पर तो वार नहीं करेगा। हे महादेव, अब आप ही अपने शरणागत भक्त की रक्षा कीजिए। नंदी जी और वीरभद्र की पराजय का अर्थ है कि अब हनुमान को स्वयं महादेव के साथ युद्ध करना होगा। महादेव के त्रिशूल से संघर्ष में तो हनुमान के साथ साथ संपूर्ण सृष्टि पर संकट छा गया था। अब यदि रुद्र स्वयं रुद्रांश से युद्ध करेंगे तो न जाने कैसा महासंकट उत्पन्न हो जाएगा। भोले बाबा, प्रभु श्री राम द्वारा दिए गए कार्य में असफल हो चुका हूँ मैं। राजकुमार शत्रुघ्न आहत मूर्छित पड़े हैं और वीरभद्र के हाथों राजकुमार पुष्कर का वध हो गया। उन दोनों को सुरक्षित नहीं रख सका मैं, किंतु अब मैं किसी भी मूल्य पर अपने प्रभु को निराश नहीं होने दूंगा। यदि उसके लिए मुझे आपसे भी युद्ध करना पड़े तो वो भी निसंकोच करूंगा मैं। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत लड़े भगवान से ये कैसी गरी। उचित है हनुमान, तुम अपने धर्म का पालन करो, किंतु मैं भी वचनबद्ध हूँ अपने भक्त की रक्षा के लिए। अर्थात सुरक्षित हूं मैं, स्वयं रुद्र के समक्ष कहां टिक सकेगा ये रुद्रांश। एक दूसरे सम शिव शिव अंशा, चिंतित सब चित मन आशंका। उत्सृष्टि संहारक शक्ति, इत बल के पर्याय की भक्ति। उत खड़े रौद्र रुद्र त्रिलोचन, इत सृष्टि के संकट मोचन। असमंजस मह पड़े कपिराई, शिव कपि शत्रु बन अकुलाई। भोले बाबा, हनुमान का नमन स्वीकार करें प्रभु। अपने धर्म और कर्तव्य का निर्वाह करने मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। नियति के समक्ष हम दोनों विवश है हनुमान, अब जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा, वो तो होकर ही रहेगा। अपने प्राण देकर भी प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व की रक्षा करना मेरा परम धर्म है। निस्वार्थ भाव से अपने बल और बुद्धि से धर्म के मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को दूर किया है तुमने, किंतु क्या मुझसे युद्ध कर सकोगे तुम? युद्ध कर सकोगे तुम? अपने अस्त्र उठाओ हनुमान और युद्ध प्रारंभ करो।
ये क्या करने जा रहा था मैं? मेरे पिता तुल्य हैं आप, तो मेरे गुरु हैं, मेरे प्रभु हैं आप। मैं भला आपसे कैसे युद्ध कर सकता हूं? रुक जाओ हनुमान, पीछे जाने का अर्थ होगा पराजय स्वीकार करना। यदि वास्तव में अपने गुरु का सम्मान करते हो हनुमान, तो मेरे शिष्य होने के नाते पीछे हटने के पूर्व एक बार पुनः विचार कर लो। परंतु? किंतु परंतु का नहीं, ये समय युद्ध का है हनुमान। युद्ध में केवल शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है, भावुकता का नहीं। प्रहार का प्रयोगता प्रहार से दिया जाता है, याचना से नहीं। ऐसा क्यों कर रहे हैं प्रभु? हनुमान को स्वयं युद्ध के लिए क्यों उकसा रहे हैं? तुम्हारे प्रभु ने तुम पर विश्वास किया है, उनके विश्वास का मान रखो हनुमान। आगे बढ़ो और अपने पौरुष का परिचय दो बजरंगी। वीरता से युद्ध कर अपना महायोद्धा पुकारा जाना सार्थक करो महावीर। प्रभु सेवा का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत कर प्रभु का महान सेवा कहलाना सार्थक करो राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान। इस युद्ध का क्या अर्थ है? ये तो अनर्थकारी सिद्ध हो रहा है। स्वामी, जो युग युगांतर में नहीं हुआ वो आज क्यों होने जा रहा है? देवी, जो घटना पूर्व नियत है उसे कोई नहीं टाल सकता, वो तो घटित होकर ही रही। स्वामी, प्रभु और भक्त का, पिता और पुत्र का, रुद्र और रुद्रांश का कैसा अनिष्टकारी युद्ध है ये? क्या परिणाम होगा इस युद्ध का? सृष्टि में कुछ भी कभी अकारण नहीं होता प्रिय। इस संसार को इस युद्ध से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। रात्रि के बाद ही दिवस आता है, अशुभ के बाद ही शुभ का संचार होता है, वैसे ही विनाश के बाद ही नव निर्माण होता है। संभव है निर्माण के पूर्व होने वाले विनाश का प्रारंभ हो गया है। निर्णय लो हनुमान, क्या करोगे तुम? पीछे हटकर अपने प्रभु को असफल सिद्ध करोगे या आगे बढ़कर उनके कार्य को पूर्ण करने के लिए संघर्ष करोगे? असमंजस जो फंसे कबीराई, तब शिव धर्म का मार्ग बताई। हनुमत निष्ठा राम पे धारे, युद्ध श्री शंकर संग स्वीकारे। महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। महादेव का डमरू भयंकर नाद उत्पन्न कर रहा है। विराट सृष्टि का विध्वंस सोच कर, अद्भुत दृश्य था ये। कैसे ये दिव्य सर्प महादेव के धनुष पिनाक में परिवर्तित हो गए। हनुमान ने महादेव के पिनाक धनुष का उत्तर देने के लिए उन्हीं के धनुष विजया का आवाहन किया है। महादेव के धनुष के समान दिव्य धनुष का आवाहन तो अवश्य किया है हनुमान ने, किंतु उनके अस्त्र प्रभु के दिव्यास्त्रों का सामना कहां कर सकेंगे? मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है हनुमान, किंतु स्मरण रहे ये रण है जिसमें मैं तुम पे
भीषण से भीषण प्रहार करूंगा। क्यों हो हनुमान, देख क्या रहे हो? उठाओ अपना अस्त्र और युद्ध करो मुझसे। मयूर बाण। धर्म का अधर्म से संघर्ष तो अनेकों बार देखा है मैंने, किंतु प्रथम बार धर्म को धर्म से युद्ध करते देख रहा हूं। पिता और पुत्र दोनों ही अपार शक्तियों से संपन्न है, न जाने क्या होगा इस युद्ध का परिणाम। तुम्हारा पराक्रम प्रमाणित करता है कि किसी उत्तम गुरु से शिक्षा प्राप्त की है तुमने। भोले बाबा, युद्ध कला में आपसे उत्तम गुरु भला और कौन हो सकता है? ये शिक्षा तो मुझे आपसे ही प्राप्त हुई है प्रभु। तो आओ पुत्र, अब इस युद्ध में और भी कठिन परीक्षा के लिए प्रस्तुत हो जाओ। नाग विशास्त्र प्रकट हो। प्रभु महादेव तो महाविनाशक महाअस्त्र नाग विशास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं। जब उनका साधारण नागबाण इतना भयंकर था तो उनका महाअस्त्र तो अनेक गुना और प्रबल होगा। गरुड़ास्त्र। स्वामी के महानाग विशास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, गरुड़ास्त्र भी उसको निरस्त नहीं कर सकता। प्रभु के बाण ने तो निगल लिया हनुमान के गरुड़ास्त्र को। अस्त्र का विषैला धूम्र मुझे प्रभावित करने का प्रयास कर रहा है, किंतु मैं अपनी चेतना नहीं खो सकता। हनुमान अपना और अपनी सेना की रक्षा कैसे करेंगे? ये तो महादेव के अस्त्र का प्रभाव, इससे अपना बचाव कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। हनुमान भले ही नीलकंठ महादेव का अंश है, किंतु नागविशास्त्र में तो ब्रह्मांड के समस्त विष का प्रभाव समाहित है। वो महादेव का ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। ऐसा कोई विष नहीं जो मेरे पुत्र हनुमान को क्षति पहुंचा सके। मेरा आशीर्वाद जो है उसके साथ, कुछ नहीं होने दूंगी मैं उसे। आवश्यकता होगी
तो मैं स्वयं हस्तक्षेप करूंगी इस युद्ध में। हनुमान, प्रतीत होता है तुम्हारे गरुड़ अस्त्र ने मेरे नागविशास्त्र की कुछ शक्ति हर ली, अन्यथा इतने समय में तो उसका विष तुम्हारे प्राण हर लेता। इतनी सरलता से तुम पराजित नहीं हो सकते। क्या अपनी शक्ति भूल रहे हो? तुम भूल रहे हो कि तुम मेरे शिष्य हो? भूल रहे हो कि तुम्हें राम काज संपन्न करना है? सब कुशल रहेगा हनुमान, रक्षित रहेगा हनुमान। आपका शिष्य कुछ नहीं भूला भोले बाबा। इतनी सरलता से पराजय स्वीकार नहीं करेगा आपका ये शिष्य भोले बाबा। आप जो भी बाण चलाएंगे उसका सामना करने का प्रयास करूंगा मैं, क्योंकि जब तक हनुमान जीवित है रामकाज का पूर्ण होना निश्चित है। धन्य हो पुत्र, अपने अंश रुद्रांश से मुझे यही आशा थी। कैसी दुविधा, कैसी विडंबना है ये। मैं उसकी रक्षा करने के लिए तत्पर जो मेरे पति मेरे स्वामी के साथ युद्धरत है, और कोई नहीं मेरा पुत्र है। एक स्त्री के लिए इससे अधिक पीड़ा का कारण और क्या हो सकता है कि महाविनाशक युद्ध में एक ओर उसका पति हो और दूसरी ओर उसका पुत्र। अब मेरे रुद्रांश को मेरे रुद्रास्त्र का सामना करना होगा। ये क्या कर रहे हैं प्रभु? अपने ही रुद्रास्त्र का प्रयोग कर रहे हैं अपने ही रुद्रांश पर। रुद्रास्त्र तो वो अस्त्र है जिसमें सभी 11 रुद्रों की शक्ति समाहित है। मैं रुद्रास्त्र का आवाहन करता हूं। अस्त्र और वरुण अस्त्र का आवाहन करता हूं। हमारे अस्त्रों की सम्मिलित शक्ति भी प्रभु के रुद्रास्त्र का साथ नहीं। हनुमान को इस महासंकट से निकलने के लिए कोई और उपाय करना होगा। सृष्टि का विध्वंस सोच कर देवलोक भयभीत, भक्त लड़े भगवान से ये कैसी डरीत। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।